गुड मॉर्निंग, टुडे वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉल्ड, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बच्चे। इसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ा है कि पहली बात पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कभी भी लिखते हैं तो वो ये होता है जो हम इन ऑर्डर ऑफ डिग्रीज लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होता है, दैट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट पावर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि जो पॉलिनोमियल कब है अब कब नहीं है, ठीक है ना। अब तो जैसे मैंने लिखा, पहले जैसे एक लिखा मैंने एट एक्स का पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3। तो देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है बच्चे, 4। तो डिग्री क्या हो गया इसका, डिग्री हो गया इसका 4। तो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टर्म्स हो गए, लेकिन वेरिएबल एक ही है, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एक्स। क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, कौन सा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, दैट इज एक्स। तो दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। डिग्री बता ही दिया। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चे इसमें एक बात ध्यान दो, इफ वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने लिखा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट या क्यूब हैव पावर इन एक्सपोनेंट, इन एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चे, ठीक है, और इन डेनोमिनेटर, इन डेनोमिनेटर, देन इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर ये जो वेरिएबल है, जैसे मान लो किसी ने लिख के दे दिया 5x² प्लस 4/3x, तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर किसी ने लिखा कि 6x³ प्लस 7x प्लस 8√x, ये भी नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज ये बच्चे किस में आ गया, ये रूट में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको दे दिया बच्चे जो 5x² प्लस 7x⁻², तो ये भी माइनस में आ गया, तो क्या हो गया बच्चे, नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर इसी में दे दिया कि 6x³ प्लस 5x³², तो ये भी क्या हो गया, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग विच वी हैव टू टेक केयर अबाउट, दैट इज विच इज पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। इसी पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6.5 में अगर आप जाएंगे तो पहला पूछा जा रहा है विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तो आप पहला यस, दूसरा यस, तीसरे में देखिए डिनोमिनेटर में है नो, चौथे में फ्रैक्शन में पावर दिया है तो नो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है बच्चे, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर उसका डिग्री ऑफ ईच लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बता चुका हूँ, डिग्री में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बच्चे, इसमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड, तो डिवीजन बाय जो है वो सिंपल वे में दिया हुआ है बाय मोनोमियल, तो आप इसको सिंपली मोनोमियल से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लें बच्चे आप, जैसे कि दिया हुआ है 3 का 3, तो दिया हुआ 75 a³ b² c डिवाइडेड बाय 19 ab। तो यू कैन राइट, आप देख सकते हैं 75 और 19 नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। a से ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा बच्चे, a² ये b से ये कट गया, बच गया b और ये चीज ऐसे ही आ गया a² b c। योर आंसर इज दैट, लाइक यू हैव टू डू नथिंग,
आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक और क्वेश्चन देखिए इसी का, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर या मोनोमियल था क्वेश्चन नंबर 3 का 9 देखिए बच्चे, दिया हुआ है एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ और डिवाइडेड बाय 2x। कोई बात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, देखिए सम में से x कॉमन आ रहा है, इसको पहले सीधा लिख लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस x अपॉन 2x। सम में से x कॉमन आ गया तो x कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x, x से x कट गया, योर आंसर इज 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 1। दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो कट रहा है कट रहा है, नहीं कट रहा है तो पॉइंट वाइंट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, यू विल एबल टू फाइंड। तो योर होमवर्क इज यू हैव टू कम्प्लीट 6.6, 1, 2, 3, आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाना है बच्चे लोग, और आई होप आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास हम जो है सो इसके 4, 5, 6 पे जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।